लाओगे नहीं सर। चलिए ध्यान से सुनिए, हम लोग अभी सर्कल्स शुरू करेंगे। सर्कल्स का जो भी डिफाइन था वो पिछले चैप्टर में लिखा चुके हैं, ठीक है। और डिफाइन एग्जाम में ऐसे भी आता नहीं है, नहीं चैप्टर इंपोर्टेंट। सर्कल है क्या लिखा है इस पर गौर करो, ध्यान दीजिए। जो हम लोग पढ़ना मेनली चैप्टर में शांत रहोगे बिल्कुल। यार एक सर्कल है, सर्कल का ये क्या है, सेंटर है, ये क्या इसका है, बिल्कुल टेंजेंट को हो गए। ये क्या इसका सेकेंड है, ये क्या इसका थर्ड है, ठीक है। उसके बाद ये अगर सर्कल है इसको चार इक्वल भाग में बांट दिए, यहां पर एंगल 90 बनता है, ये एंगल 90 होगा, 90 ये भी, 90 ये भी, चारों एंगल 90 होगा ना। इसके हर एक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट क्या है, तो कहोगे सर वन फोर्थ मीन एक चौथाई पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। एक सर्कल का एक चौथाई भाग जो होगा उसको हम लोग क्वाड्रेंट कहेंगे। और क्वाड्रेंट के द्वारा सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 बनेगा। जबकि क्वाड्रेंट के अलावा सेमी सर्कल रहेगा तो सेमी सर्कल के द्वारा सेंटर पर कितना बनेगा, मान लो ये अगर सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के द्वारा सेंटर पर बना हुआ एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और पूरे सर्कल के द्वारा सेंटर पे क्या बनता है एंगल, सेमी सर्कल 180, क्वाड्रेंट 90, होल सर्कल 360, थ्री फोर्थ ऑफ सर्कल। तो सर्कल का एक भाग, दो भाग, तीन भाग, थ्री फोर्थ मतलब तीन चौथाई, चार भाग में तीन भाग जो होगा उसके द्वारा कितना बनाएगा, तो कितना होगा ये 200 मीन्स पूरा सर्कल बनाएगा 360। शांत रहोगे, हम बात करें हॉल सर्कल की, पूरे सर्कल के द्वारा सेंटर पे कितना बनता है 360 डिग्री। सेमी सर्कल की बात करेंगे तो सेमी सर्कल के द्वारा सेंटर पे कितना बनेगा 180 डिग्री। सेमी सर्कल के बाद क्वाड्रेंट की बात करेंगे, क्वाड्रेंट के द्वारा कितना बनेगा 90। और अगर थ्री फोर्थ ऑफ सर्कल की बात करेंगे, सर्कल का तीन चौथाई भाग, चार भाग बांट दिए इसको, नीचे में जितना रहेगा उतना भाग में बांट दोगे, ऊपर तीन है तीन भाग, तीनों भाग मिल के कितना बनाया एंगल 270 डिग्री, ठीक है। मतलब कि एक सर्कल का पूरे सर्कल को लेंगे हम लोग अगर अंडर कंसिडरेशन, तो पूरे सर्कल के द्वारा सेंटर पर कितना बनेगा एंगल, पूरे सर्कल के द्वारा सेंटर पर बनेगा 360 डिग्री। सेमी सर्कल 180 डिग्री, क्वाड्रेंट 90 और थ्री फोर्थ ऑफ सर्कल। गुड मॉर्निंग, इसलिए आज का किस तरह मारेंगे नहीं, आप पहुंच चलते रहेगा फिर ये देखिए। फिर सुन लो के बोल रहा हूं फिर से एक बार, जो भी लेट आए सर्कल किस चीज से बना है, पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स है, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके जो भी लाइन पास करेगा उस लाइन क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। एक सर्कल पर कुल कितना टेंजेंट खींच सकते हो, राइट। सर्कल का ये टेंजेंट है, ये सेकेंड है, ये क्या है, कोड है, ठीक है। फिर सुनो बात नहीं, उसके बाद मैंने कहा ये आपको लिखाया हूं इसका यूज करूंगा इस चैप्टर में, इसलिए तो हाईलाइट बार बार कर रहा हूं। पूरे सर्कल के द्वारा सेंटर पर कितना बनता है एंगल 360 डिग्री। सर्कल को हाफ कर दिए मीन सेमी सर्कल के द्वारा सेंटर पर कितना बनेगा 180। सर्कल का एक चौथाई भाग लिए, एक दो तीन चार में एक पार्ट, सिर्फ इस पार्ट को लिया मैंने, इस पार्ट के द्वारा सेंटर पर कितना डिग्री बनेगा, 90 बनेगा। और उस पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है।
वन फोर्थ पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, ये डिफाइन भी कई बार पूछता है एग्जाम में। व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय क्वाड्रेंट, 90 बोलोगे। व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द सेमी सर्कल, तो 180 बोलोगे। थ्री फोर्थ ऑफ सर्कल तो क्या बोलोगे, 270। क्यों, तीन चौथाई में, तीन भाग में, चार भाग में तीन भाग लिए, एक भाग, दो भाग और तीन भाग, तीनों के द्वारा सेंटर पे कितना बना, 90 प्लस 90 प्लस 90, 270 डिग्री। ठीक है, यहां तक मैं इसका सबसे अधिक यूज है इस चैप्टर में, इसे इसको बार बार में कर रहा हूं। ठीक है, बाकी सेकंड टेंजेंट का इसमें यूज नहीं चैप्टर में। तो ये तो आपका बेसिक हो गया, क्वाड्रेंट का डिफाइन समझा नहीं गया। क्वाड्रेंट क्या होता है, वन फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल को क्वाड्रेंट, सिमिल तो हो गया। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट टॉपिक। ये अगर सर्कल है, सर्कल है, ये क्या है कोड, कोड, और ये क्या ए बी, क्या है इसे आर ए बी कहेंगे, नहीं कहेंगे, और कोड ए बी, आर ए बी और कोड ए बी के बीच जो एरिया बाउंड किया उसे कहते हैं, उसे कहते हैं सेक्टर नहीं सेगमेंट कहते हैं। कौन सेगमेंट कहेंगे इसको, क्योंकि इस सेगमेंट में क्या नहीं है, सेंटर नहीं, और इस कोड और इस मेजर मेजर आर्क के द्वारा जो ये एरिया बाउंड किया, इस एरिया को क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट, क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि इसमें सेक्टर है, क्योंकि इसमें सेंटर है। ठीक है ना, तो जिस भी सेगमेंट में सेंटर है वो मेजर है, सेक्टर नहीं तो क्या है, माइनर। ये भी हो गया। उसके बाद फिर जानो आगे बोल रहा हूं मैं, अगर एक सर्कल है, ये सेंटर ये है, ये आर्क है, आर्क के दोनों एंड को कोड से ज्वाइन ना करके सेंटर से रेडियस के थ्रू ज्वाइन किया, तो ये क्या बनेगा आपका, कौन सेक्टर, क्यों, चूंकि इसका आर्क माइनर, आर्क माइनर तो सेक्टर भी क्या होगा, आर्क मेजर, ये है ना, बोलो ये बी आर्क क्या मेजर नहीं है, बी आर्क मेजर तो सेक्टर भी क्या होगा, आर्क मेजर तो सेक्टर मेजर, आर्क माइनर तो सेक्टर माइनर। और कोई आपसे पूछे व्हाट इज द एंगल एम ए बी का मतलब, बोलो क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय एम ए बी इन एनी क्वेश्चन। एम ए बी का मतलब हुआ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय द आर्क ए बी, आर्क ए बी के द्वारा सेंटर पर डिलेंगे ना, इसी एंगल को एम ए बी कहते हैं। और एम बी ए कर दूंगा मैं अगर, तो कहोगे सर कितना ये एंगल, नहीं ये पूरा था 360 है ना, ये अगर थीटा मान लिया मैंने, कितना कहोगे इसको बीए में, 360 माइनस थीटा, इसका यू इस चैप्टर में मिलेगा। एम मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ए बी वेयर एट द सेंटर, सेंटर पर उस आर्क के द्वारा जो भी एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एम ए बी शॉर्ट लिखते हैं, एम बी ए में उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, तक सेक्टर क्या है, क्वाड्रेंट क्या है, सेगमेंट है कि सेक्टर है, क्वाड्रेंट एक सेक्टर है। कोई पूछे क्वाड्रेंट क्या है, तो क्वाड्रेंट एक्चुअल में एक सेक्टर को, क्यों सर, देखो ध्यान दो यहां पर, ये सेंटर है, ये आर्क नहीं है क्या, आर्क है, ये रेडियस, ये रेडियस, आर्क के इंड को जो रेडियस ज्वाइन करेगा वो कहलाएगा क्वाड्रेंट, मींस सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, मींस सेक्टर एक क्वाड्रेंट है, मींस क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर है। सेक्टर में आपका एंगल कुछ भी हो सकता है, क्वाड्रेंट में ऐसा 90 हो, मींस एवरी सेक्टर मस्ट, सॉरी एवरी क्वाड्रेंट मस्ट बी सेक्टर, बट एवरी सेक्टर नीड नॉट बी क्वाड्रेंट। सेक्टर तो ये भी है, तो सेक्टर तो ये भी है, क्या तो क्वाड्रेंट कर देंगे, मान लो ये 50 डिग्री है तो क्वाड्रेंट ही नहीं है, 90 होगा तभी कहलाएगा क्वाड्रेंट। ठीक है, ये कंडीशन है, एक सेक्टर क्वाड्रेंट कब बनेगा और एक क्वाड्रेंट सेक्टर कब बनेगा, नोट करना है इसको, है नोट सब कर लो, घर में नोट कर लोगे ना, वीडियो अब तक पहुंच जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको, नोट करोगे, नोट में करोगे तो टाइम आपका बच जाएगा, प्रैक्टिस कम होगा, सीखना मेन था इसमें, मेन बस ये चार चीज है, इसमें ये चार चीज मेन है, पूरे सर्कल के द्वारा सेंटर कितना बनेगा, सेमी सर्कल 180, क्वाड्रेंट 90, थ्री फोर्थ। देखो इसमें एक क्वेश्चन और आता है यूज का, समझो उसको क्या बात नहीं, एक क्वेश्चन यूज का समझो क्या है, कोई आपसे पूछेगा घड़ी का काटा है, घड़ी का मिनट हैंड है, मान लो मिनट हैंड समझते क्या होता है, मिनट का काटा। ठीक है, मिनट का काटा मैं पूछूंगा आपसे, अगर एक मिनट का काटा किस
फॉर्म में घूम रहा है तो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल घूम रहा है, तो मिनट का काट रहा है सेंटर हो गया, घड़ी ये आपका सर्कल फॉर्म में मान लो जो घूम रहा है वो। तो क्वेश्चन ये है कि वो 30 या 10 मिनट में कितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पर 10 मिनट में। पहले आप सोचिए मिनट का काटा आप एक घंटा, एक घंटा मतलब कितना मिनट, एक घंटा मतलब 60 मिनट हो ना, 60 मिनट में यहां पहुंचता है, इसका मतलब 60 मिनट में उसने कवर किया 360 मिनट नहीं किया, एक मिनट में कितना करेगा, एक मिनट में करेगा 360 बाय, तो 10 मिनट में कितना एंगल बनाएगा वो 360 बाय 60 गुना 10 कट गया कितना इज आया 60 डिग्री इज द एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन हाउ मेनी मिनट, इसका यूज इस चैप्टर में, ठीक है। घड़ी का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, अगर एक आपका घड़ी का आवर हैंड है वो आपका 3 आवर में कितना बनाएगा, बोलो घड़ी का आवर हैंड, आवर हैंड 12 घंटा में बनाता 360, आवर हैंड 12 घंटा में 360 बनाता है, एक घंटा में कितना बनाएगा 360 बाय 12, 3 घंटा में कितना बनाएगा 360 बाय 12 गुना 3 कर लेंगे ना, काट के जो आएगा 90 आएगा, ठीक है ना सभी को। तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, उसमें एंगल निकालने का है ये करना होता है, मिनट हैंड सेकंड हैंड या आवर, ठीक है। मिनट हैंड 60 मिनट में कंप्लीट करता वन रिवॉल्यूशन, आवर हैंड 12 आवर में, और सेकंड करता है सेकंड करता है सेकंड हैंड 60 सेकंड में वो कवर करता है 3 ट्रैफिक नहीं करता है, ध्यान रखो इसमें भूल गए तुम बोलो घड़ी में पढ़ने आता है। चलिए ये सब आपको हम दे दिया आइडिया, इसका यूज आपको क्वेश्चन में देंगे, इसलिए चलो आगे बढ़ता हूं बात में। अब मान लो कहेगा कि अर्थ, अर्थ रिवॉल्यूशन काउंट कर रही है, अर्थ पृथ्वी जो होती है वो सन के अराउंड कितने दिन में वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा करती है, रिवॉल्यूशन कर रहा हूं रिवॉल्यूशन करता है 365 दिन 4 घंटे 6 घंटा सेंटर करता है ना, तो पूछ देगा हाफ रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगा, निकाल लेंगे भाग देंगे दो से कितना बना एंगल वो भी निकाल लेंगे, हाफ रिवॉल्यूशन में बनेगा 180 डिग्री, अरे एक चक्कर मजा ना। चलो आगे बढ़ता हूं मेन टॉपिक पर जिसको आप इंपॉर्टेंट समझिएगा, सब इसमें जानते हैं बहुत सा क्रम बहुत सा नहीं जानोगे उसी के लोग। एक सर्कल है, ये क्या इसका है रेडियस, ये जितना फॉर्मूला मैं प्रूफ करूंगा उसको ध्यान रखोगे, फॉर्मूला का यूज इस चैप्टर में है। सर्कल का रेडियस ये है, तो इसका सर्कमफ्रेंस, बहुत से बच्चे को सर्कमफ्रेंस का मतलब भी नहीं आता होगा, सिर्फ बॉल जी बैठा नहीं होता उसे ना, सर्कल का आपको मन नहीं क्या होगा इसका क्वेश्चन बुक में जाएगा। मान लो कि चक्का है जो इस सड़क है रोड है इस पर घूम रहा है, चक्का का ये पोर्शन अभी यहां है, ठीक है व्हील मान लो है, यहां हम लोग टिक कर दिए, टिक कर दिए, चक्का मान लो घूम रहा है क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, घूम रहा तो ये पॉइंट उठ करके ऊपर आएगा ना, जैसे जैसे टर्न होगा ये पॉइंट उठेगा ऊपर, ऊपर उठेगा फिर जाएगा नीचे आएगा, मान लो ये पॉइंट भी यहां पहुंच गया, ये पॉइंट कहां आ गया घूमते घूमते फिर यहां पहुंचा, इसका मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक पॉइंट जाने में इतना डिस्टेंस कवर किया ना, इसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं क्या सर्कमफ्रेंस, ठीक है। मतलब सर्कमफ्रेंस इज एक्चुअली द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील या वायर बाय सर्कल इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो भी व्हील होगा या सर्कल होगा वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो डिस्टेंस कवर करेगा वो किसके इक्वल होगा सर्कमफ्रेंस के, मतलब इसको क्या कहोगे टू पाई आर कहोगे, लेंथ कितना होगा टू पाई आर नहीं होगा अगर ये रेडियस है तो, अब कहोगे सर टू पाई आर तो गलत है, इसका एक और फॉर्मूला क्या होगा टू आर को डायमीटर कहेंगे, इसको पाई डी भी कह सकते हैं, पाई डी डायमीटर हो गया नहीं, टू आर को डायमीटर नहीं कहेंगे
टू आर में रेडियस का डबल, रेडियस का दूना, वो डायमीटर नहीं कहते हो, कैपिटल डी स्मॉल डी रेडियस सेंटर ही है, ठीक है। तक सर्कमफ्रेंस का मीनिंग क्या होगा, सर्कमफ्रेंस का मतलब एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर किया है, इट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। दिखाते हैं इसको, इस कैपिटल सी से फॉर्मूला 2 पाई आर या पाई डी, ठीक है। चलिए ये हो गया, हम क्लियर यहां तक सबका, इसको नोट भी करना, आगे काम आएगा ये प्रॉब्लम में भी, या इसको आप एक तरह से और समझ लीजिए। मान लो कि सर्कल का जो ये आपका पार्ट है, इसको बीच से काट दिए, काट के फैला दिए, इसकी लंबाई मापेंगे स्केल से, कितनी आएगी, 2 पाई आर के बराबर आएगी। मान लो आप पहनते हैं बैंगल्स या कड़ा, बैंगल टूट जाएगा तोड़ने पर, कड़ा मान लो पहले काट के बीच से फैला दिए लोहे का वहां पर, तो ये जो आपका लेंथ आएगा ना, वो किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर के, ठीक है। बात नहीं, सर्कमफ्रेंस के बाद आइए एरिया पर। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, या इसको पाई डी स्क्वायर बाय फोर को ना, और आर को डी बाई टू को, आर को डी बाई टू कहोगे का स्क्वायर है तोड़ेंगे, तो डी का स्क्वायर डी स्क्वायर दो का स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल भी हो गया, इसका आर के रूप में भी हो गया और डी के रूप में भी हो गया। ये आपका सिंपल सा फिगर है, सर्कमफ्रेंस को समझा रहा है कि अगर एक सर्कल वन कंप्लीट रिवर्सल पूरा किया तो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा, जिसको 2 पाई आर कहेंगे, पाई डी कहेंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, चलो आगे बढ़ते हैं। एरिया सर्कल हो गया, उसके बाद आते हैं सर्कल के बाद सेमी सर्कल पाएंगे। सेमी सर्कल में दो टाइप का फिगर आएगा, एक फिगर आपको मिलेगा यू इस तरह से, और एक फिगर मिलेगा आपको यू इस तरह से, सेम नहीं, क्या दोनों सेम है, दोनों है सेमी सर्कल ही, अंतर क्या है, एक में डायमीटर ज्वाइन कर दिए, एक में नहीं किए। इसका सर्कमफ्रेंस पूछेगा तो आपको बोलना है सिर्फ पाई आर, इसका सर्कमफ्रेंस पूछेगा तो पाई आर, ये हो गया रेडियस प्लस रेडियस, टू रेडियस मतलब कितना, टू आर, या इसी को कहेंगे पाई आर प्लस, नहीं कहेंगे, अरे पूरे सर्कल की लंबाई थी 2 पाई आर, बीच से काट दिए इसको तो जो पार्ट मिला वो पाई आर ना, 2 पाई आर का आधा करेंगे तो 2 पाई आर का आधा किए, 2 टू कट गया, क्या बचा, वही क्या, सी मीन सर्कमफ्रेंस। इसका एरिया वही होगा जो उसका एरिया का हाफ होगा, मतलब पाई आर स्क्वायर बाय कितना, और इसका एरिया भी वही होगा, क्योंकि एरिया को लेंथ से मतलब नहीं है, क्या इसका एरिया भी उतना ही हो जितना इसका, यहां सेंटर इसका है, बस सिर्फ ज्वाइन किए इसको, तो ये एक्स्ट्रा लाइन हो गया ना, क्योंकि सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस को एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है, पेरीमीटर, और पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री यहां से इतना ही था, यहां बाउंड्री में ये प्लस ये हो गया ना, इसको जोड़ेंगे कितना, 2r, 2r मतलब क्या, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत करना, जब भी आपका ये सेमी सर्कल में डायमीटर को ज्वाइन किया होगा तो इसको यूज करना है, डायमीटर ज्वाइन नहीं है तो इसको यूज करना है, ये भी हो गया क्लियर। उसके बाद क्वाड्रेंट का एरिया के लिए कुछ सोचना नहीं है, क्वाड्रेंट सब जानते हो क्या है, सर्कल का एक चौथाई भाग है, एक चौथाई भाग नहीं है क्वाड्रेंट, ये रेडियस है कि नहीं, अरे इसको कंप्लीट करोगे क्या बन जाएगा, हमको टाइल करेंगे, इसका एरिया क्या होगा, पूरे सर्कल का कितना भाग, एक चौथाई, सही है। सर्कमफ्रेंस क्या, 2 पाई आर का एक चौथाई, काटेंगे कितना आएगा, सब बोलते हैं गलत है ये, तब होगा जब ये नहीं होगा, क्या जब ये भी हो जाएगा और ये भी होगा, एक आर प्लस दो आर कितना हो गया, बोलते हैं दो आर हो जाएगा ये, मतलब इसको पाई आर बाय टू प्लस क्या कहेंगे, या डी, हालांकि ये इसका कोई काम नहीं है, इसका मेन काम है, ठीक है। सर्कल हो गया, ये सब सिंपल जिस स्थल पर कितने आर है ना, बोलते हैं। अब देखिए आगे क्या पढ़ना है, आगे हम लोग सिखा रहे हैं नेक्स्ट कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस सीख गए, सेमी सर्कल सीख गया, क्वाड्रेंट का सीख गए,
अब मान लो एक क्वेश्चन है, इसको ठूक दे मैं करेंगे सिंपल में समझना जानते हो। टॉपिक है लेंथ ऑफ आर्क को निकालने का फॉर्मूला। लेंथ ऑफ आर्क को निकालने का फॉर्मूला रटना नहीं है, मान लो एग्जाम में भूल गए तो भी काम चल जाएगा। कैसे देखिए, सर्कल ये है, सर्कल का ये ना तो सेमी सर्कल का अर्थ है, ना क्वाड्रेंट का अर्थ है, ना सर्कल का अर्थ है, क्या ये बस एक आर्क है, स्मॉल पोर्शन सर्कल का। इसके द्वारा सेंटर को ज्वाइन कर दिए, सेंटर पर जो एंगल बना वो एंगल सपोज टू बी थीटा, ठीक है। इस लेंथ को कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क, किसको, एबी को। एबी की लंबाई को हम लोग लेंथ ऑफ आर्क एल कहेंगे। लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो अगर उस आर्क के द्वारा सेंटर पर कितना बना एंगल थीटा, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपका ऐसे होता है, लेंथ ऑफ आर्क का 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री। सवाल कैसे आ रहे हैं समझो, इसको प्रूफ सिंपल इसका समझ आ रहा है। बोलो पूरे सर्कल के द्वारा सेंटर पर कितना बनता एंगल है, 360 बनता है ना। तब पूरे आर्क की लंबाई कितनी होती थी, सही है, 1 डिग्री। अगर सेंटर पे बनेगा किसी आर्क के द्वारा तो कितना बनेगा लेंथ ऑफ आर्क, कितना बनेगा, सही है। और अगर थीटा डिग्री बन रहा है तो कितना होगा, 2 पाई आर बाय 360 गुना। क्या मिटा करके इसको इतना नहीं कर सकते, वही चीज है क्या, पूरे होल सर्कल के द्वारा सेंटर पर 360 तो लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई पढ़े ना, 1 डिग्री में बटा गया में। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला 2 पाई आर थीटा बाय 360 लिखोगे, या कहीं कहीं लिखेगा सरकमफ्रेंस इनटू थीटा बाय 360, तो भी घबराना नहीं है, जो 2 पाई आर के सरकमफ्रेंस एग्जाम में आ जाएगा आपको। इफ सरकमफ्रेंस एंड थीटा इज गिवन देन फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, तो डायरेक्ट यहां पुट करेंगे सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर है। सर्कमफ्रेंस अगर आपके पास दिया हुआ है, दिया हुआ थीटा है, विदाउट आर निकल जाएगा, नहीं तुम पहले आर निकाल दो फिर पुट कर, पुट नहीं करें डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यहां से बनता है, ठीक है। हालांकि इस फॉर्मूला को फेमस नहीं किया गया है, लेकिन फॉर्मूला को प्रूफ से हम लोग डिराइव कर सकते हैं ना। 2 पाई आर क्या बन गया, सर्कमफ्रेंस इन थीटा बाय, ठीक है। लेंथ तो पार्ट भी हो गया, प्रूफ भी सिंपल इसका हो गया। प्रूफ एग्जाम में आपको तब करना है जब फॉर्मूला भूल जाओ। इसी को और क्या कर सकते हो, पाई आर थीटा बाय 180 उसे काटेंगे इसको ना, इसको लिखा दी इसलिए चुनिकाओ के स्तर हमको ये याद करवाया गया है, ठीक है। ये तीनों से मिल जाए आपको, मेनली जो फर्स्ट लिखे हैं वो आपको इंपॉर्टेंट होगा, ये याद करना, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला है इसका, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लेंथ ऑफ आर्क भी हो गया, लेंथ ऑफ आर्क के बाद अब मान लो एरिया ऑफ क्या है, सेक्टर मेजर आर्क के, तुम भड़ा क्या रहे हो, सब चीज बोल देंगे ना, क्या कर रहे हो तुम, अभी ये पढ़ लो प्रॉपर्टी आंसर, देखो हाउस इन डाउट क्लास में बुलाया इसको ना, तो क्वेश्चन पूछा प्रॉपर्टी का, ये एंगल मॉनिटर दिया हुआ शांत बात नहीं, ये आपका एक सेक्टर है रेडियस और आर्क के द्वारा जो एंगल बाउंड हुआ उसको कहते हैं क्या, सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लोग को याद रखना होगा कि सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। फॉर्मूला काफी सिंपल है, तो सर कैसे देखिए, 360 डिग्री जब सेंटर पे बना था तो पूरा एरिया कितना था, वन डिग्री में कितना होगा पाई आर स्क्वायर,
तो थीटा में कितना होगा पाई आर स्क्वायर बाय 360 गुना ठीक है। ठीक है, मतलब ये आपका सेक्टर का एरिया हो गया, सेगमेंट का एरिया एक बच गया, उसको प्रूफ करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, फिर आप उसको लिखिए अच्छे से। तुम बोलो या नहीं बोलो, रेस्पेक्ट गुड मॉर्निंग से बोलने से होता हो ना, दिल दिमाग दोनों में चाहिए दस्तक तब होता है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट कैसे नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बात नहीं। एरिया ऑफ सेगमेंट हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान देना, ये सिंपल ही है, इसमें कुछ नहीं करना है, सेगमेंट सब पढ़े हुए क्या होता है समझो। एक सर्कल आपके पास दिया गया है, इस सर्कल का ये सेंटर है, ये कोण है ए बी, ये क्या इसका है रेडियस, ये एंगल मान थीटा, आर्क में सेंटर पर जो एंगल बनाया वो थीटा एंगल, सेगमेंट इसे कहेंगे ना, इसको मान ओ माना मैंने, ठीक है, इस पॉइंट को मान लेता हूं ऑर्डिनेंस से सी, एरिया ऑफ सेगमेंट नाम इसका ए बी सी ए नहीं है, ए बी सी है, क्लोज कर दिए इसको, को बिल्कुल कहोगे एरिया ऑफ ए ओ बी, सेक्टर में किसको मैनेज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी को, सही है कि नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल मैनेज कर देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का भी जस्ट लिखा है फॉर्मूला क्या, हम पाई आर स्क्वायर थीटा बाय कितना 360। अब ट्रायंगल का एरिया आप बहुत ढंग से निकाल सकते हैं, समझो कैसे, अगर ये 90 होता बाय द वे बात नहीं, अगर ये 90 होता तो तुम कहते राइट ट्रायंगल, तब इसका एरिया क्या होता हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये होता, अगर ये आपका 60 होता तो इसे इक्विलेटरल कहते, कहो क्यों सर, चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल एंगल सेम होता है, ये 60 है और ये साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा, इसको एक्स कहेंगे भी एक्स होगा, x plus 60, 180, plus का मान 120, इस x का मान 60, इस 60 ये भी 60 भी, तो क्या हो गया इक्विलेटर हो गया, जब इक्विलेटर हो गया तो इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया पढ़े क्या रूट 3 बाय 4 इनटू साइड का स्क्वायर, साइड रूट में काम कर रहा है ना, तो मुझे लेकिन ना इक्विलेटरल है और ना राइट है, तो आपको सारे ट्रायंगल्स के लिए कॉमन फॉर्मूला है 1 बाय 2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, ये सारे ट्रायंगल के लिए कॉमन फॉर्मूला है, बट कहोगे सर ये आया कहां से, आया कहां से, क्योंकि आज तक तो आप इसको पढ़े नहीं है, आप तो पढ़े हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आप पढ़े हैं रूट 3 बाय 4 इंटू साइड स्क्वायर, आप पढ़े हैं बी बाय 4 इंटू अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एरिया ऑफ क्या कहते हैं आइसोसेल्स, अगर ये इक्विलेटरल नहीं है और ना राइट ट्रायंगल है बट आइसोसेल्स तो हमेशा होगा, नहीं होगा चूंकि ये दोनों रेडियस होगा ना, रेडियस की दो साइड इक्वल क्या बन गया ये आइसोसेल्स, मींस इट इज ऑलवेज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, कंफर्मड हो फिर भी आइसोसेल्स के आपको ये साइड मान लो है ये चाहिए ना, ये दिया हुआ नहीं मान लो, तब भी इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, इस फॉर्मूला एक सिंपल सा प्रूफ करेंगे, बस इसको आप ध्यान दीजिए तुरंत यूं ही समझ में आ जाएगा। देखिए अलग से मैं फिगर को बायफर्केट कर रहा हूं, फिगर को मान लो मैं अलग कर लिया, काट लिया एओबी, एओबी ट्रायंगल को काट लिया, अलग करने का मतलब बायफर्केट करना होता है, इस एंगल को हम लोग थीटा कर रहे हैं, ठीक है, निकालना क्या है एओबी का एरिया कितना 1/2 r² sin θ, प्रूफ करना कैसे आया, मान लो बाबू हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया,
किससे? बी से। इस पर ड्रॉ किए, नाम क्या इसका है? हमने विमान से क्या किया, ड्रॉ किया एज ए कंस्ट्रक्शन बीएम परपेंडिकुलर ऑन व्हाट? ओ, सही है ना? ये रेडियस है, बात नहीं, ये भी क्या है, रेडियस। ये कंस्ट्रक्शन किए तो डॉट डॉट तो ध्यान अच्छा रहेगा, दे दिए। क्यों दिए? इसका भी कारण है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी को आप लिखिएगा हाफ इंटू बेस, बेस कौन है ओए, इंटू हाइट कौन है बीएम। किसी ट्रायंगल के एरिया हाइट चाहिए ना, हाइट ड्रॉ किए। अब ये तुम भले पूछ सकते हो सिर्फ हाइट बी से ही ड्रॉ क्यों किए, ओ से क्यों नहीं गिराए, जबकि आसान था ओ से जाना। तो वो बी से गिराए या ए से गिराए दोनों सही था, लेकिन आपने ओ से क्यों नहीं गिराया, बी और ए से ही क्यों गिराते हैं, इसका भी कारण है। हमारे पास प्रूफ में साइन थीटा है, साइन थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, और उस रेशियो का एंगल कौन है, थीटा है, तो जरूर राइट ट्रायंगल में आएगा, तभी उपाय पूछना, क्योंकि आप टी रेशियो पर है राइट ट्रायंगल के लिए। राइट ट्रायंगल बनेगा जिसमें थीटा एंगल एक्यूट हो, बन रहा है कि नहीं, बी ओ एम। इसलिए इसको लिए, आपकी इच्छा होती तो इसको लोगे तो भी कोई गलती नहीं करेगा, क्योंकि ई भी राइट ट्रायंगल बन गया तो भी सही है, बट इसको यहां से लेते तो एंगल बढ़ जाता, एंगल थीटा नहीं थीटा बाय टू हो जाता, नहीं एंगल चाहिए क्या हमको, इसीलिए हम लोग इसको नहीं लिए, या तो इसको लेंगे या इसको, रटना कुछ नहीं, सबसे कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं आपको, इन्हें रट लिए बस हो गया, ऐसा होता है, क्यों होता है, इसे कारण बता रही है। चलो यहां तक कर लिए, राइट ट्रायंगल बनाएंगे तभी आएगा टी रेशियो, और इसलिए अब शुरू करते हैं। हाफ हो गया, ओए का मान क्या है आर, बीएम निकालना है, किस राइट ट्रायंगल में थीटा है, ऊपर देखिए इन राइट ट्रायंगल ए ओ ए ओ, सही है, ध्यान चेंज कर देते हैं, हमने कहा कहीं से भी ड्रॉप कर सकते हो जहां से तुम्हारी इच्छा है, बस किसको छोड़ करके ओ को, सही ना, ये भी एम ड्रॉप किए किस पर, ओ भी, वो भी सही है, बनेगा यहाँ के ओ, यहाँ क्या हो जाएगा, तो ओ भी बेस हो गया ना, हाइट क्या हो गया, चलिए ध्यान देना आर ओ बी को माने, सही है, ए एम निकालना है, राइट ट्रायंगल ए ओ एम लिए, राइट ट्रायंगल कौन सा लिए, ए ओ एम, साइन थीटा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा ही यूज करना है, साइन थीटा इक्वल टू क्या पड़ा है, परपेंडिकुलर, कौन है जी ए ओ एम में, कौन है परपेंडिकुलर, यहाँ यहाँ ए ओ एम, ए ओ एम ट्रायंगल में ये एंगल 90 है, मैंने पूछा तुमसे कौन सा साइड परपेंडिकुलर है, एम, इतना तुम लोग मार मारेंगे, सही बोला है, सही नहीं है, थीटा के सामने वाले साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर, एम परपेंडिकुलर बाय क्या होगा, अविनाश कौन है, सही है ना, ए एम का मान निकाला हमको ना, ए एम का मान क्या आएगा, ओ ए, सही है ना, ओ ए का मान क्या दिखा हुआ है, आर आर साइन, किसका मान आ गया, एम, एम का इनपुट कर दीजिए, आर साइन आर इंटू आर बचा क्या, और साइन डेट कंप्लीट योर, समझ गया, सिंपल इनपुट हो गया। और एक बजन लो, कहोगे सर आप यहां से गिराए तो भी मान ली, यहां से तो ही मर, यहां से गिराएंगे तो भी बनेगा, लेकिन वो आपके लेवल का नहीं होगा, हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं इसको, उसका एक फॉर्मूला होगा साइन थीटा का, क्लास 11th में तुम पढ़ोगे ट्रिगोनोमेट्रिक एंट्री फॉर्मूला है 2 साइन थीटा / 2 * cos थीटा / 2, इस पर बनेगा, बहुत थोड़ा स्ट्रांग लंबा जाएगा ये शॉर्ट में हो गया, ठीक है, इसका प्रूफ आपके बुक में नहीं किया है, फिर इसको हम ड्राइव कर दिए, कोई पूछे कहां से आया तो इसका जवाब मिल जाएगा, कौन सा एंगल है, साइन 1000 का मान भी होता है, साइन 1 लैक का मान भी फायदा होता है,
वो सब आता है सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल में, जिसको रेडियन मेजरमेंट भी कहते हैं। एक बात सुनोगे ये आपको नहीं पढ़ना है, बोर्ड एक्स्ट्रा है। 90 डिग्री को आप 10 तक 90 डिग्री लिखते हैं ना, जब जाओगे 11 क्लास में स्कॉम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं या जो पढ़ा होगा, वहां पर 90 को बहुत पाई बाई 2 रेडियन लिखते हैं, रेडियन दिखाते हैं सी से हर्मोसिस से। 60 डिग्री को, 60 डिग्री को लिखोगे पाई बाई कितना 3 रेडियन, मतलब सिंपल जान लो पाई मींस 180 होता है रेडियन। 180 बाय 90 नहीं आएगा, 180 बाय 360 नहीं आएगा, 45 को क्या कहोगे, 45 को कहोगे पाई मींस 180 बाय कितना, तब अगर रेडियन मेजरमेंट में पाई यूज करते हैं। यह स्टैंडर्ड टर्म है, हो सकता है किसी कॉम्पिटिशन में एग्जाम में आ जाए, लेकिन 10th के चैप्टर में आपको नहीं पढ़ना। ये रेडियन के रूप में दिखाते हैं सी से, और आपको हम ये भी पढ़ा दिए आपका कौन सा मेजरमेंट है रेडियन मेजरमेंट, या इसको कहते हैं सर्कुलर मेजरमेंट। और एक आपका अस्टे रेडियन भी था, जिसमें किसको मापते थे सब भूल गए होगे, इसमें मापते थे सॉलिड एंगल को। जैसे कि मान लो कि तुम फुटबॉल देखे हो, फुटबॉल का एक ब्लॉक, ऊपर का ब्लॉक देखते, फुटबॉल का ब्लॉक किस शेप में होता है, होता है ना, नहीं होता है सब हवा। मान लो फुटबॉल सेंटर है, इसके चारों एंड को ज्वाइन किया, चारों एंड को ज्वाइन के सेंटर पर, फुटबॉल सेंटर पर, फुटबॉल के सेंटर पर चारों एंड को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर जो इस टाइप से बनेगा एंगल, ये बनेगा इस एंगल को कहते हैं अस्टे रेडियन मेजरमेंट, जिसे कहते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, मीन्स थ्री डायमेंशन में बनने वाले एंगल को कहते हैं सॉलिड एंगल, जबकि हम लोग टू डी पढ़ते हैं वो आपका सर्कुलर या प्लेन में आता है, डिग्री या रेडियन में आता है। 11th के फिजिक्स में इसको पढ़ना होता है, मैथ में भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कहो बेटा इसको ना, चलो आगे एक चीज हम बार बार छोड़ रहे हैं इस चीज को, लास्ट देखिए रटने के लिए है, समझाने का सिंपल सा तरीका मेरे पास है। टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है, वो उसका फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस बाय सर्कमफेरेंस, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट बाय व्हील का फॉर्मूला है एन इक्वल्स व्हाट, डिस्टेंस बाय सर्कमफेरेंस। ठीक है, एन नंबर ऑफ दिखा रहा है रिवॉल्यूशन को, कितना बार घुमा वो व्हील, कितना डिस्टेंस समझा कवर किया बाय सर्कमफेरेंस। ठीक है, इसका यूज हम लोग कल करेंगे क्वेश्चन में, हालांकि इसको याद मत कीजिए, इसका सिंपल सा प्रूफ करके क्वेश्चन बन जाता है।